अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दरअसल विक्रम सीमेंट फैक्ट्री से ड्यूटी कर घर लौट रहे एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही खोर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और शव को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर आज शव का परीक्षण कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। नीमच जिले के जावत में जावत नीमच मार्ग पर शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि विक्रम फैक्ट्री से घर लौटते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हुई है। नीमच जावत मार्ग उपजेल से कुछ ही दूरी पर वेयर हाउस के सामने यह दर्दनाक हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही खोर की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और उसकी सहायता से उक्त व्यक्ति के शव को देर रात्रि नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर आज शनिवार की सुबह उसका पीएम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है। नीमच जिला चिकित्सालय से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात्रि लगभग 12 बजे के समीप विक्रम फैक्ट्री में कार्यरत गोपाल पिता रामसुख धाकड़, उम्र 40 वर्ष, निवासी जावत, विक्रम फैक्ट्री से घर लौट रहे थे। इसी दौरान जावत नीमच मार्ग पर उपजेल के समीप वेयर हाउस के सामने अज्ञात वाहन ने गोपाल की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें हादसे में गोपाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। देर रात्रि शव को खोर की एम्बुलेंस की सहायता से नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उसे के शव को पीएम रूम में रखवाया गया, वहीं जिसका आज शनिवार की सुबह शव का परीक्षण कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं मामले में जावत पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच भी शुरू कर दिए। पुलिस ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से गोपाल की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है, मामले में जांच शुरू कर दिए। पुलिस द्वारा सर्वप्रथम जावत नीमच मार्ग पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है।